नवरात्रों के उपलक्ष में पांडवों के समय की शक्तिपीठ मंडी जिला के प्रसिद्ध हटेश्वरी माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दूर से मंदिर में पहुंच रहे श्रद्धालु कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बड़े ही श्रद्धा भाव से मां के दर्शन कर रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर प्रबंध समिति की ओर से मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मां के दर्शन करने मंदिर पहुंच रहे लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। मां के भक्त बड़े ही श्रद्धा भाव से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मंदिर कमेटी की ओर से आयोजित ये भंडारा 9 दिन तक लगातार जारी रहेगा। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष नंदलाल ठाकुर ने सभी भक्तों से नवरात्रों के उपलक्ष्य में मंदिर में लगाए गए भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि जो भक्त भंडारे के आयोजन में सहयोग करना चाहते हैं, वह मंदिर कमेटी के पास रसीद कटवाकर इस पुण्य कार्य में अपना स्वेच्छा से सहयोग कर सकते हैं। मंदिर कमेटी की ओर से मंदिर के प्रांगण में दूर दूर से मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को यहां किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। चैत्र प्रविष्टि 5 संवत 2078 से हमारी नववर्ष शुरू होने जा रही है। इसके साथ साथ मां के नवरात्रि भी इसी दिन से शुरू होने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम सभी जो हमारे भक्तजन है और देशवासियों को नववर्ष की मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और इन नवरात्रों के दिनों में यहां प्रबंधन समिति की ओर से लंगर की व्यवस्था की गई है और जो नवरात्रों से संबंधित जितनी व्यवस्था है वो सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। नवरात्रे रविवार से शुरू होने जा रहे हैं और जो नवमी है वो रविवार 25 मार्च को रहेगी। तो इन दिनों के बीच सभी भक्तजनों से निवेदन है, मां के जो भक्तजन है कि मां के चरणों में अपने हाजिरी भरें और मां का आशीर्वाद प्राप्त करें।